रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कॉलेज में खिलाड़ी छात्र के लिए भी 75% हाजिरी लगाने से मैदान में समय कम दे पा रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखकर इसमें रियायत देने की मांग की जाएगी। धूमल ने दावा किया कि दोनों क्षेत्रों के उपचुनावों में बीजेपी जीत हासिल करेगा और कांग्रेस हार के डर से आधारहीन बयानबाजी करने में लगी है। धूमल ने विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार नालागढ़ की टीम चैंपियन बनी है, वहीं बिलासपुर की टीम दूसरी बार रनर अप रही है। हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कॉलेज में खिलाड़ी छात्र के लिए भी 75% हाजिरी लगाने से मैदान में समय कम दे पा रहे हैं, इसलिए इस मुद्दे को सरकार के समक्ष रखकर इसमें रियायत देने के लिए मांग की जाएगी। धूमल ने दावा किया कि दोनों क्षेत्रों के उपचुनावों में बीजेपी जीत हासिल करेगा और कांग्रेस हार के डर से आधारहीन बयानबाजी करने में लगी है। प्रदेश सरकार से और विश्वविद्यालय के साथ मामला उठाऊंगा, जो इनाम जीत के आते हैं उसके कारण सबका सम्मान बढ़ता है, क्रेडिट मिलना चाहिए, उनके लेक्चर को काउंट कर लिए जाने चाहिए। पच्छाद में बीजेपी के खिलाफ पैसे बांटने के आरोपों पर धूमल ने कहा कि चुनावों में हारने वाली कांग्रेस कभी ईवीएम में खराबी की बातें करती है तो अब पैसे बांटने की बात कह रही है। उन्होंने कहा कि सबूत के तौर पर कांग्रेस कुछ नहीं दिखा पा रही है। उन्होंने दावा किया कि दोनों विधानसभा में हो रहे उपचुनावों में बीजेपी भारी मत से जीतेगी। दोनों विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया, दोनों जगह कहा है कमल का बटन दबाओ, दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिताओ। मुझे लगता है कि चुनाव के दिनों में ऐसे आरोप लगते रहते हैं, कोई सबूत उन्होंने पेश किया नहीं। मैंने पूछा था कोई सबूत है प्रमाण है तो दो, कोई प्रमाण उनके पास है नहीं, लेकिन वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दिनों में हारने वाली पार्टी कभी ईवीएम में नुकस निकालती है, कभी पैसे की बात करती, कभी सत्ता का दुरुपयोग की बात करती है। चुनाव हारना होता कोई ना कोई बहाना तो उनको कहना ही होता है। धूमल ने विजेता टीमों को बधाई देते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार नालागढ़ की टीम चैंपियन रही है, वहीं बिलासपुर की टीम दूसरी बार रनर अप रही है। उन्होंने कहा कि विजेता टीम को अपना विजय क्रम जारी रखने की बधाई और बिलासपुर की टीम को अगली बार के लिए ज्यादा मेहनत कर विजेता बनने की तैयारी करनी चाहिए। विश्वविद्यालय की इंटर कॉलेज कबड्डी टूर्नामेंट का आज समापन हुआ है, फाइनल मैच हमारे आंखों के सामने खेला गया, बहुत शानदार मैच हुआ, दोनों टीमें बहुत बढ़िया खेली, अंततः नालागढ़ की कॉलेज की टीम जीती है। पिछले बार भी चैंपियन वही थे, इस बार फिर जीते हैं, और पिछली बार बिलासपुर रनर्स अप था, इस बार फिर रनर्स अप है। नेक्स्ट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम, बिलासपुर के लिए कहेंगे तैयारी और करो, और नालागढ़ को कहेंगे तुम तो इसी को मेंटेन रखने का प्रयास करो। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ, मैं गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों को बहुत बधाई देता हूं, पूरी मैनेजमेंट को, स्टाफ मेंबर्स को और स्टूडेंट्स को। इतना लंबा इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट, बहुत शानदार ढंग से कवर हुआ है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश इंटर कॉलेज कबड्डी प्रतियोगिता का समापन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि धूमल ने प्रतियोगिता में विजेता नालागढ़ टीम और उप विजेता बिलासपुर की टीम को इनाम बांटे। इस अवसर पर गौतम गर्ल्स कॉलेज के चेयरमैन जगदीश गौतम, प्रिंसिपल रजनीश गौतम, डॉक्टर विनय शर्मा, मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा मौजूद रहे। प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 70 कॉलेजों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और ये प्रतियोगिता 5 दिनों तक चली है।